इंदौर ने मुझे जो दिया है, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इंदौर का ऋण नहीं चुका सकता। आप इंदौर में किसी अधिकारी का राज नहीं चलेगा, ये मैं बता देता हूँ आपको। राज चलेगा तो आप लोगों का चलेगा, राज चलेगा तो इंदौर की जनता का चलेगा। ये जो अधिकारियों की तानाशाही अभी तक चल रही थी ना, ये अब बिल्कुल नहीं होगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। ये बात सही है कि मैं 10 साल से पार्टी के आदेश पर संगठन का काम कर रहा था, पर इंदौर ने मुझे बहुत कुछ दिया। इंदौर ने मुझे जो दिया है, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इंदौर का ऋण नहीं चुका सकता। बहुत कुछ दिया मुझे, सब कुछ दिया है। इंदौर से ही शुरुआत हुई मेरी, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ 3 नंबर नहीं, इंदौर की 9 की 9 सीट जीतेंगे तब मेरी इज्जत बढ़ेगी दिल्ली में। यदि इंदौर की 9 की 9 सीट नहीं जीते तो फिर मतलब क्या हुआ बताइए मुझे। मैं आपसे वादा करता हूं, इंदौर में बहुत सारी संभावना है। इंदौर मेडिकल टूरिज्म का हब बनने वाला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।